हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित से अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। और हम जो आपका पिछला क्लास जो लिए थे उसमें आपको अलजेब्रा ऑफ ए सेट का तीसरा जो सेट था, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, उसके बारे में बताए थे। आज जो हम बताने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ ए सेट का, ये चौथा पार्ट है और लास्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है और कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का कहता है, लेट मान लीजिए कि यू जो है यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट को आपको बताए थे कि वैसा सेट जिसके अंतर्गत जितना भी सेट है, टाइप ऑफ सेट, वो सभी सेट को उसमें इंक्लूड रहता है। कहता है एंड ए बी दस ए बी लिख सकते हैं, ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब यू का नाम यूनिवर्सल सेट पड़ा, दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ यू, ये हो गया। तब कहेंगे देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड इज डिनोटेड बाय ए का डैश या ए का पावर सी। इससे किसको डिनोट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को। तब कहते हैं एंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, मतलब कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट का से जो एक सेट बनेगा, कुछ भी निकालते हैं, जैसे आप इंटरसेक्शन निकाले होंगे, यूनियन निकाले होंगे, यूनियन जो निकला था उससे भी एक सेट बना था, इंटरसेक्शन जो निकाले थे इंटरसेक्शन से भी एक सेट बना था, फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट निकाले उससे भी एक सेट बना। मतलब जितना भी हम अभी पढ़ रहे हैं उससे एक सेट का निर्माण हो रहा है, और उस सेट का निर्माण जो होता है उसी सेट का नाम अलग अलग है, कहीं यूनियन ऑफ टू सेट बोला जाता है, कहीं इंटरसेक्शन बोला जाता है, कहीं डिफरेंस बोला जाता है, तो कहीं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोला जाता है। तब कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा और ए का कॉम्प्लीमेंट का जो सेट होगा, उस सेट का जो एलिमेंट होगा, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उसका सभी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए मतलब यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट होगा जो सेट ए में बिलोंग है, बट जो कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे उस कॉम्प्लीमेंट में उस ए सेट का एलिमेंट बिलोंग्स नहीं करेगा। तो अगर हम इस डिफिनेशन को एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का डैश या ए का पावर सी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसको क्या बोले? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर हम बोले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो है, इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्स इज ए सच दैट एक्स, ये एक्स कोई एलिमेंट है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, एक्स डैश सच दैट एक्स, ये एक्स जो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट में बिलोंग्स करेगा, लेकिन बट ये एक्स जो है ना, ये बिलोंग्स नहीं करेगा ए में। और इससे जो सेट बनेगा, जैसे यहाँ एक्स का मान वन दीजिए, वो यूनिवर्सल सेट में होगा, और वह सेट ये वन जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन वह वन कम किसमें नहीं रहेगा, सेट ए में कंटेंट नहीं करेगा। अगर टू है, टू यूनिवर्सल सेट में रहेगा, सेट ए में भी अगर आता है तो उस टू को नहीं लिखा जाएगा। जैसे अगर आप इसको क्या जानते थे, इसको हम लिख सकते हैं एस, इसको लिख सकते हैं, आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट अगर बताए होंगे तो डिफरेंस ऑफ टू सेट में अगर यूनिवर्सल सेट में वैसा एलिमेंट जो सेट ए को कंटेन करता हो, वो वही एलिमेंट अगर से यूनिवर्सल सेट को कंटेन करता हो, तो उस एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं, तो उस ए माइनस, ये जैसे इसको मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो ए माइनस बी जो निकालते थे, ए का टोटल एलिमेंट जो बी में कंटेंट ना करता हो, उसी को हम बोलते थे क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट। और ये जो है यूनिवर्सल सेट,
और ए सेट का जब हम डिफरेंस निकालें तो ये किसका क्या निकला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकला। जैसे हम एग्जांपल के आधार पर लेते हैं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना है, एंड कोई एक और सेट है जो ए सेट ए है, इसमें 2, 4, 6, 8 इतना एलिमेंट है, तब कहता है देन फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट या ए का पावर सी भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो आपको कैसे निकालना है, तो सॉल्यूशन में तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप क्या जानते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट का हुआ जितना भी एलिमेंट है उसको लिखिएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये माइनस 2, 4, 6, 8। अब देखिए आपको इस दो सेट का डिफरेंस निकालना है, तो जो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है जितना भी एलिमेंट, और वो सेट अगर यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट है तो उस सेट उस एलिमेंट को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट को लिख लिया जाएगा एक सेट के अंतर्गत। जैसे देखिए इसमें 2 है 4 है 6 है 8 है, तो 2, 4, 6, 8 ये खत्म हो गया, तब बचा कितना 1, 3, 5 और 7। ये जो आपका 1, 3, 5, 7 का जो सेट बना, इसी सेट को हम क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हुआ दोस्त आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और आज हम देख लेते हैं कि अभी हम शुरू से अभी तक में क्या पढ़े हैं, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसमें जितना भी मेन मेन बात था नोट में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो आप प्रॉब्लम बताएंगे, और प्रॉब्लम में ये यूज सिर्फ ये यूज होता है, कंडीशन यूज होता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है तो उसका कंडीशन क्या है। कोई एलिमेंट जैसे मान लीजिए कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये सब एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो कॉम्प्लीमेंट निकाले उस सेट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में बिलोंग्स कर रहा है तो किस सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा या किस सेट में बिलोंग्स करेगा वो दिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम आपको बोल दे कि वन जो है वन किसमें बिलोंग वन बिलोंग्स करता है ए का कॉम्प्लीमेंट में, तो इम्प्लाई बाई इम्प्लाई ये किसमें बिलोंग्स करेगा या किसमें नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये जो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले ये जो एक्स एलिमेंट है किसमें यूनिवर्सल सेट में आपका बिलोंग्स करता है और किसमें नहीं करता है, जो सेट दिया रहता है उस सेट में बिलोंग्स नहीं करता है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ देखिए दोस्त ये जो जिसमें बिलोंग्स नहीं करता है उसी कंडीशन को सिर्फ लिखा जाएगा, जैसे वहां वन जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, मतलब ए सेट में वन बिलोंग्स नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सेट ए जो दिया है इसमें वन बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो वन किसमें बिलोंग्स कर रहा है दोस्त, तो यूनिवर्सल सेट में। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली लिख सकते हैं कि कोई एक्स एलिमेंट है जो ए के कॉम्प्लीमेंट में है, ए के कॉम्प्लीमेंट में है, तब हम इसको इम्प्लाइज में लिख सकते हैं ये जो एक्स जो है एलिमेंट ये सेट ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो आप इसको नोट में लिख लीजिएगा और हम देखते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए दोस्त दूसरा एग्जांपल है, ये कहता है इफ कोई यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये है, एंड कोई ए सेट है जिसका एलिमेंट है 3, 1, 3, 5, 7 और 9, तब कहता है देन फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है जब यूनिवर्सल सेट और सेट ए दिया हुआ है। तो आपको क्या पता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है ये ए का डैश जो है इसको कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो जो सेट दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट एंड
जो उसके साथ में जो सेट दिया हुआ है उस दोनों सेट का डिफरेंस निकालते हैं, और जो डिफरेंस निकलता है उसी को आप यूनिट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं गिवेन जो दिया हुआ है, गिवेन सेट ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट जो दिया हुआ है वो 1 3 5 7 और 9 यही दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है दोस्त, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ए का कॉम्प्लीमेंट आप क्या जानते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे, एक्स वो एलिमेंट है जो ए के कॉम्प्लीमेंट में है, ये जो है बिलोंग्स करेगा यूनियन में, बट ये एक्स जो है ये बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, सेट ए में। और आप इसको क्या जानते हैं, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ यूनियन माइनस ए, यूनियन सेट माइनस ए सेट। अब देखिए यूनियन सेट में जितना भी दिया हुआ है एलिमेंट, टोटल एलिमेंट को लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए सेट का एलिमेंट लिखिए, तो 1 3 5 7 9, ये हुआ ए सेट का एलिमेंट। इस दोनों सेट का जब डिफरेंस निकालिएगा तो जो ए सेट में जितना भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में अगर बिलोंग्स करता है तो उस एलिमेंट को छोड़ दिया जाता है और रेस्ट एलिमेंट को लिख लिया जाता है। तो देखिए दोस्त, इसमें 1 3 5 7 9 है, तो 1 3 5 7 9 इस एलिमेंट को छोड़ दीजिए, तो कितना बचा, 2 4 6 और 8, ये बच गया। अब देखिए अगर हम आपको बोले ये आप क्या निकाले, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, अगर हम आपको बोले कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है और यूनियन अगर ए निकालते हैं तो इसका क्या क्या एलिमेंट होगा, और इससे जो सेट बनेगा उस सेट क्या होगा, उसको सेट कोड किससे डिनोट करेंगे। तो देखिए दोस्त, यूनियन जब आप निकालते हैं तब तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 लिख लिए, माइनस कितना है, यूनियन निकालना है आपको, यूनियन ए निकालना है, ए सेट का एलिमेंट कितना है, 1 1 3 5 7 9, तो कितना हो गया, 1 3 5 7 9, ये हो गया। अब देखिए आपको अगर बताते हैं, आपको अगर बोलें कि ये जो दोनों सेट है इस दोनों सेट का यूनियन निकालना है, तो आप क्या कहिएगा कि जितना एलिमेंट है अगर कॉमन एलिमेंट है तो एक बार लिखना है, अगर कॉमन नहीं है तो सबको लिख देना है। तो अगर हम देखें लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया कितना, 9। ये आपका क्या निकला, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए, ऐसे कह सकते हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये भी तो बोल सकते हैं। और ये जो सेट का जो एलिमेंट निकाले हैं ये सेट किस सेट का इक्वल है, तो आप देख सकते होंगे कि आपका यूनिवर्सल सेट यू जो दिया हुआ है उसी सेट का इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, इससे क्या हुआ कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यो यूनिवर्सल सेट का इक्वल होता है। तो यही एक कंडीशन हुआ, इसी को आप प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब देखिए इसी में अगर हम दूसरा देखें तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो ए का एलिमेंट क्या है दोस्त, तो 1 3 5 7 और 9, और इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8, यही है, तो कितना हो गया, 2 4 6 8, ये हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट आप क्या जानते हैं कि वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट में कंटेन करता हो उसी सेट को हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का एलिमेंट मानेंगे या जानते हैं। तो देखिए दोस्त, इसमें इस दोनों सेट में वैसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट को कंटेन करता हो, जब दोनों सेट को कंटेन नहीं करता हो तो वो नल सेट कहलाता है, और नल सेट को आप फाई से डिनोट करते हैं। तो यहां से क्या निकला,
प्रॉपर्टी में निकल गया आपका कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो फाई होता है, और फाई करने का मतलब नल सेट होता है। नल सेट वैसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट कंटेंट नहीं करता हो। तो ये क्या निकला, ये मान लीजिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। और थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखें कि आपको अगर बोल दिया जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है अगर इसी का रिकॉम्प्लीमेंट निकाले तो कितना होगा। तो देखिए दोस्त, ए का कॉम्प्लीमेंट, अब जैसे मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल चुके हैं 2, 4, 6, 8, ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले और इसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब देखिए दोस्त, जैसे आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस सेट को मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ए, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट का वो सभी एलिमेंट को लिखा जाएगा अभी जितना उसमें दिया गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हो गया। और ए का कॉम्प्लीमेंट जो निकाले हैं वो 2, 4, 6, 8 है, तो कितना हो गया 2, 4, 6, 8। अगर हम यहां से इस दोनों सेट का डिफरेंस निकालें तो वो सभी एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करता हो और यूनिवर्सल सेट को भी कंटेन करता हो तो वैसे एलिमेंट को छोड़ दिया जाएगा। तो उसको अगर छोड़ते हैं तो आपका क्या क्या बचता है, तो 1, 3, 5, 7 और 9 ये बच गया। और ये सेट जो बचा है, इस सेट में जितना भी एलिमेंट है इस सेट किसका इक्वल है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये ए सेट का इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आ गया कि अगर ए का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो ए सेट का इक्वल होता है। तो आप अभी यहाँ से फोर प्रॉपर्टी देखें, क्या क्या देखें कि अगर ए कोई सेट है और कोई यूनिवर्सल सेट है, दोनों को सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और दोनों को अगर उससे ए सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दोनों का यूनियन करते हैं तो यूनियन सेट के बराबर होता है, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई सेट का फाई के बराबर होता है, कहने का मतलब नल सेट, और जब कॉम्प्लीमेंट को रिकॉम्प्लीमेंट करते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेट ए का इक्वल होता है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। तो इसमें आप देखिए अभी तक जो आप पढ़े हैं, क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये पर है। इसका जो जितना भी कंडीशन है उस कंडीशन को ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है, क्योंकि अगले क्लास में जो हम प्रॉब्लम लेके आएंगे उस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन को ही फुलफिल करना होगा और उस कंडीशन से ही प्रॉब्लम को आगे बनाना होगा। तो कंडीशन को देख लेते हैं, तब तक इसको आप देख लीजिए। जैसे देखे दोस्त, ये सभी जो है पॉइंट नोट कर लीजिएगा और इस नोट पॉइंट से ही आपको आगे प्रॉब्लम बनाना है। अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो आप प्रॉब्लम बना पाइएगा, अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहेगा तो आप प्रॉब्लम नहीं बना पाइएगा। तो प्रॉब्लम जो है आपको पिछले क्लास में आपको प्रॉब्लम ऐसे बता दिए हैं कि क्या क्या नोट में है, बट आपको एक जगह आपको लिखा दे रहे हैं इसलिए कि आपको याद रहे और आप अगला आगे जो प्रॉब्लम आएगा उसमें ना रुके। तो देखिए दोस्त, पहले आप क्या निकाले थे, यूनियन निकाले थे, दो सेट का यूनियन निकाले थे, ए यूनियन बी। तो इस ए यूनियन बी जो निकाले थे इसका कंडीशन क्या था कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में हो तो एक्स डेट एक्स, एक्स जो बिलोंग करेगा ए में और यही एक्स बिलोंग्स करेगा किस में, बी में। इसका कहने का मतलब हुआ कि वह एलिमेंट हो सकता है सेट ए में हो या सेट बी में हो या वो दोनों में हो सकता है। अब देखिए ये था फर्स्ट। अब देखिए इसी में एक कंडीशन और परे थे कि कोई एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में बिलोंग्स करता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही ना परे थे। तो देखिए दोस्त, ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट बिलोंग्स करेगा, इसका तीन कंडीशन क्या होगा, एक कंडीशन कि वह सेट ए में भी बिलोंग्स कर सकता है या वह एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग्स कर सकता है या वह सेट दोनों सेट में बिलोंग्स कर सकता है, ए एंड बी, बोथ वो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी।
अब देखिए ये हो गया। अगर आपको बोला जाएगा कि कोई एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है, ये कंडीशन में आएगा, ए यूनियन बी में अगर वो एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे इंप्लाइज में। देखिए दोस्त, ए यूनियन बी में नहीं है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब बात आता है कि यहाँ तो अगर यूनियन था तो और लिख दिए, ये बिलोंग्स किया तो और लिख दिए, या डज नॉट बिलोंग्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे। तो जैसे देखिए दोस्त एग्जांपल में, अगर मान लेते हैं ए का एलिमेंट 1 2 है, बी का एलिमेंट 3 4 है, अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो 1 2 3 4 होता है, ये आपको भी पता होगा। हम बोलेंगे कि इसमें जो है 5 ए यूनियन बी में बिलोंग्स नहीं करता है, 5 जो है ये बिलोंग्स नहीं करता है ए यूनियन बी में, तो आप क्या बताइएगा। तो इसमें आप क्या कहिएगा कि ना 5 जो है ना ए में है और ना बी में है, मतलब कि ए 5 जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एंड यह कहता है कि यह जो है क्लियर है कि कोई मतलब कि यकीन नहीं है, शक वाला बात नहीं है कि ये सेट ए में बिलोंग करता है या बी में करता है, यहाँ क्लियर है कि वह जो एलिमेंट है ना सेट ए में है और ना सेट बी में है। अगर कोई घटना क्लियर रहता है तो उसको एंड से दिखाते हैं, अगर कोई संभावना वाला रहता है हो सकता है हो या होगा तो उसको हम और से दिखाते हैं। तो यहाँ क्या था, क्लियर है कि वह जो एलिमेंट है ना ए में है और ना बी में है, जब दोनों सेट में नहीं है तो हम उसमें एंड लिखते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये था यूनियन, आप पढ़े थे तो यूनियन का ये फर्स्ट का ये दो कंडीशन था। अब सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में क्या था, तो इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन बी अगर है तो कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स करेगा, एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब बोलिए कि आप तो यहाँ बोले थे कि क्लियर है कि ये दोनों में नहीं है तो हम एंड लगाए थे, तो यहाँ पे आप काय लगा दिए, हो सकता है। तो देखिए दोस्त यहाँ इसलिए लगाए हैं, आप इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में जो पढ़े थे उसमें आपको क्लियर बताया गया था कि ए इंटरसेक्शन बी का बी से जो सेट बनेगा उस सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो क्लियर है कि वो एलिमेंट सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा, मतलब कि वो सेट जो है एलिमेंट जो है ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, तब हम ए इंटरसेक्शन बी का उस सेट का उस एलिमेंट को मानेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, अगर नहीं रहता तो कुछ और लिखते। अब देखिए जैसे इसको एंड से लिख दिए, अगर इसी में दूसरा कंडीशन ए कंडीशन आएगा, मान लीजिए कोई एक्स बिलोंग्स करता है ए इंटरसेक्शन बी में और दूसरा एक्स बिलोंग्स नहीं करता है ए इंटरसेक्शन बी में, तब क्या लिखिएगा। जब बिलोंग्स करेगा तो आप ये कंडीशन लिखिएगा, तो लिख देते हैं ए एंड बी, मतलब एक्स जो है सेट ए का भी एलिमेंट है और एक्स जो है सेट बी का भी एलिमेंट है। अब देखिए बात इसमें आता है कि एक्स जो है ना सेट ए का ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है ही नहीं, तो आप देख सकते हैं दोस्त जैसे मान लीजिए यहाँ है 3 मान लिए और इसमें 5 मान लिए दोस्त। अब इसमें हम आपको बोलते हैं कि आप निकालिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको बोलेंगे निकालने तो ए इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन रहेगा उसी को लिखिएगा, तो 3 दोनों में कॉमन था तो 3 निकलिए, ये तो कोई दिक्कत ना है, ये ऊपरला कंडीशन है। अब आपको हम बोलेंगे कि 5 जो है ये बिलोंग्स नहीं करता है ए इंटरसेक्शन बी में और 1 जो है ये बिलोंग्स नहीं करता है ए इंटरसेक्शन बी में, तब क्या लिखिएगा आप। तो यहाँ क्या लिखिएगा कि 5 जो है किस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, जो सेट में बिलोंग्स करेगा, जैसे यहाँ देखिए 5 जो है किस में बिलोंग्स कर रहा है,
बी से, सेट बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ए में नहीं है। जब आप क्लियर लिखिएगा कि ये इसमें बिलोंग करता है, इसमें नहीं करता है, जैसे कि ए ये 5 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी, आप ये कंडीशन जोड़ लीजिएगा। अगर हम क्लियर बताते हैं कि ये 5 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है और सेट 5 जो है ये सेट बी का एलिमेंट है, जब आप क्लियर बताते हो और एग्जांपल आपको दिया गया है कि ये एग्जांपल है और इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ जो है एंड का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए अगला कंडीशन आता है कि वन जो है एक्स वन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स नहीं करता है, तो वन बिलोंग्स किसमें कर रहा है पहले उसको देखते हैं। वन जो है सेट ए में बिलोंग करता है, लेकिन वन वही जो है सेट बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे वन बिलोंग्स टू ए एंड वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ जो है हम क्लियर बता रहे हैं कि वन जो है सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन वन जो है सेट बी का एलिमेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ हम क्लियर जान रहे हैं तब ना, अगर मान लीजिए ये वन ना रहता तब क्या बताते, बोल देता आपको इनफिनिट सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ खत्म होगा, वन है कि टू है कि थ्री है कि फोर है कि फाइव है कि एट है कि नाइन है, आपको पता ना है। जब पता नहीं रहेगा तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। जब क्लियर नहीं बता सकते हैं, मान लीजिए कोई सेट एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तब हम यहाँ कह सकते हैं ये एक्स जो है हो सकता है एक्स में ए में बिलोंग्स करेगा या हो सकता है बी में बिलोंग्स करेगा। और कोई कंडीशन हो सकता है, नहीं होगा। अगर होगा तो हो सकता है वो दोनों में बिलोंग्स करेगा। जब वो दोनों में बिलोंग्स ही कर जाएगा तो इंटरसेक्शन में क्यों नहीं लिखाएगा, वो इंटरसेक्शन में क्यों नहीं बिलोंग्स करेगा। अब देखिए यही कंडीशन यहाँ है, जब दोनों में बिलोंग्स, अब पता ना चले कि वो एलिमेंट सेट ए का है या सेट बी का है, लेकिन वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तब हम लिखेंगे कि एक्स जो है ये एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या लिखे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड नहीं और लिखे हैं। क्यों, कब लिखे हैं, जब डज नॉट में इंटरसेक्शन रहे तो और लिखेंगे, और जब यूनियन में डज नॉट रहे तो एंड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी क्लियर पता है कि जब यूनियन है तो यूनियन में सेट ए और सेट बी का टोटल एलिमेंट को लिख लिया जाता है, चाहे वो कॉमन आए या ना आए, लेकिन अगर उसमें भी नहीं है तो वो एलिमेंट होगा ही नहीं। जैसे ऐसे मानिए सभी का दो दो घर होता है, एक नानी घर होता है एक अपना घर होता है। अगर कोई परिवार, कोई भी आदमी ना वो अपना घर का है वो नानी घर का है, तो वो कहाँ का होगा, वो दूसरे दूसरा परिवार होगा। तो उसी तरह मान लीजिए यहाँ जो एलिमेंट है ना ए में है ना बी में है, तो वो दोनों काम खत्म हो गया। और इसमें आइए, जैसे इसमें मानिए कि एक नानी घर का भी आदमी है और अपना घर का भी आदमी है, तो नानी घर और अपना घर है जो इसमें जितना भी आदमी होगा दोनों का रिलेशन एक होगा, या तो वो नाना का रिलेशन हो या तो मामा का रिलेशन हो या भाईगणा का या भाईनी का या मम्मी हो या पापा हो, कुछ भी हो। तो देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए भाईगणा या भाईनी का रिलेशन होगा तो वो दोनों को कंटेन करेगा, दोनों घर से बिलोंग करेगा, यहाँ से नाना तो यहाँ से बेटा या बेटी। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा उसी को हम इंटरसेक्शन के सेट में लिखेंगे, और जो बिलोंग्स नहीं करेगा उसको और में संभावना में लिखेंगे। हो सकता है वो ए में बिलोंग्स करेगा बी में नहीं करेगा, हो सकता है बी में बिलोंग्स किया तो ए में बिलोंग्स नहीं किया। तो ये जो था आपका 4 जो है मेन प्रॉपर्टी था, और आप इसको याद रखेगा और याद रखने के बाद आपका प्रॉब्लम इजी से सॉल्व होगा। अब देखिए अगला आता है 3 नंबर में कि अगर ए माइनस बी है, ए माइनस बी से जो सेट बना है उस सेट का एलिमेंट क्या क्या होगा। तब देखिए मान लीजिए एक्स ए माइनस बी से जो सेट बना वो एक्स एलिमेंट का है, तो हम लिखेंगे एक्स है डेट एक्स, एक्स किसमें बिलोंग करेगा, हो सकता है कि ए में करे बी में ना करे, बी में
करें या ए में ना करें। तो आपको हम डिफरेंस ऑफ टू सेट का डिफरेंशिएशन बताए थे, वो सभी एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग करेगा और वो सभी एलिमेंट जो सेट बी में बिलोंग करेगा, अगर दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन आता है तो वो कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, और जो सेट ए में जो भी सेट बी का एलिमेंट रहेगा उसको छोड़ के बाकी बात सेट ए का टोटल एलिमेंट लिख लिया जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x such that x belongs to a but x does not belongs to b, मतलब कि x जो है सेट ए में बिलोंग करेगा वही एलिमेंट सेट बी में नहीं होगा, तभी वो हो सकता है a माइनस बी का से a माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट का एलिमेंट हो सकता है। अब देखिए इसी में दूसरा कंडीशन आएगा b माइनस a रहे तो कुछ नहीं दोस्त, x such that x belongs करेगा b में but x जो है या does not belongs to a, किसमें belongs नहीं किया a में, ये था कितना थर्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब देखिए फोर्थ में आता है, अगर a का कॉम्प्लीमेंट है, a का कॉम्प्लीमेंट आप क्या जानते हैं, x such that x जो है ये यूनिवर्सल सेट में बिलोंग्स करेगा बट ये जो सेट यूनिवर्सल सेट में जो x बिलोंग किया ये x सेट में x जो है a में सेट a में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो आप इसको क्या लिखते थे u माइनस a। और इसका एक क्लियर में कंडीशन लिखे थे कि x जो है ये बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, a का कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज लिख सकते हैं कि कोई x एलिमेंट है जो a के कॉम्प्लीमेंट में है तब वह सेट x जो है सेट a में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो ये जो था आपका फोर प्रॉपर्टी था, और फोर जो है अलजेब्रा ऑफ ए सेट का टाइप जो आप पढ़े थे, इसी चार टाइप का जो है ये सभी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, प्रॉपर्टी का ये या कंडीशन का ये जो भी कहते हैं आप याद रखिएगा, तभी अगला प्रॉब्लम बन पाएगा, नहीं तो आप नहीं बना पाइएगा। अगर इस यहाँ तक में कोई भी दिक्कत होता है किसी को भी कि इस डिफरेंस ऑफ टू सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इतना जो क्लास हुआ है या टाइप ऑफ सेट जितना भी क्लास हुआ है इसमें अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप समझ सकते हैं, और समझने के बाद अगला क्लास के साथ आप जितना भी हो सके कंफ्यूजन को दूर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और जो भी अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रयास कीजिए जितना भी क्लास होता हो वो आप पिछले शुरू से क्लास करने का, अगर आप शुरू से क्लास कीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, अगर आप क्लास नहीं करते हैं बीच बीच में क्लास कीजिएगा तो हो सकता है आपको दिक्कत होगा, तो आप प्रयास कीजिए कि शुरू से क्लास करने का और एक एक टॉपिक को पढ़ने का। तो आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रॉब्लम के साथ, और आज ये जो आपको लिखा दिए आप इसको याद कर लीजिएगा, और प्रॉब्लम के साथ जो मिलेंगे उसमें इसका यूज होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।